दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं गूगल के प्रोजेक्ट टैंगो के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, गूगल प्रोजेक्ट टैंगो के बारे में आपने जरूर से सुना होगा। गूगल पिछले काफी टाइम से इसके ऊपर रिसर्च करता जा रहा है, नए नए डेवलपमेंट्स करता जा रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि कैसे जल्दी से जल्दी एक रियलिटी में इसको कन्वर्ट किया जाए कि एक मासेस तक ये चीज पहुंच जाए। चाहे हम बात करते हैं स्मार्टफोन्स की या टैबलेट्स की, कि नॉर्मल यूजर भी 3D स्कैनिंग, 3D मैपिंग, डेप्थ सेंसिंग वगैरह को यूज करके प्रोजेक्ट टैंगो को अच्छे से एंजॉय कर पाए। अब ये चीज क्या है इसके बारे में तो मैं आपसे बाद में बात करूंगा, लेकिन एक मेजर अनाउंसमेंट जो गूगल ने किया है अपने इस साल के IO कॉन्फ्रेंस में, वो ये कि आने वाले दिनों में सबसे पहला स्मार्टफोन आने वाला है प्रोजेक्ट टैंगो सर्टिफाइड, जो होगा लिनोवो की तरफ से, और ये फोन आने वाले 1 से 2 महीने में लॉन्च होने वाला है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। उसके अलावा गूगल IO में जितने भी और अलग अलग अनाउंसमेंट्स हुए, उन सभी के लिए मैंने आपके लिए वीडियोस बनाई हैं, तो आप उन सभी को देखना मत भूलिएगा। लेकिन अभी के लिए हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट टैंगो की। देखिए, प्रोजेक्ट टैंगो जो है वो एक तरीके से ऑगमेंटेड रियलिटी है, आप ये कह सकते हैं, या उसके अलावा एक ऐसा कंसेप्ट है जो पूरे तरीके से जैसे हम यूज करते हैं चीजों को, हालांकि कंप्लीटली तो चेंज नहीं करेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर नीश के लिए, एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो ऑडियंस का, उनके लिए काफी कुछ फायदेमंद हो सकता है। इसमें आपको एक टैबलेट हो या एक स्मार्टफोन हो, पीछे की तरफ में डेप्थ सेंसिंग के लिए अलग अलग कैमराज मिलेंगे, आपको 3D मैपिंग के लिए 3D कैमराज मिलेंगे, उसके अलावा आपको बहुत सारे ऐसे सेंसर्स मिलेंगे जो जज कर सकते हैं कि आपने फोन को किस ओरिएंटेशन में, किस डायरेक्शन में, किस एंगल पे पकड़ा है, सामने का जो कैमरा है वहां से वो क्या कुछ देखने को मिल रहा है, डेप्थ कितनी है। तो ये सभी चीजें आप अपने फोन या टैबलेट से यूज कर सकते हैं। अब इसका रियल वर्ल्ड अगर मैं आपको यूजेज बताऊं तो इसके सिनेरियो बहुत बहुत सारे हैं। जैसे गूगल ने अभी डेमो भी दिया था अपनी कॉन्फ्रेंस में, उसके अलावा काफी टाइम से हम देखते आ रहे हैं। तो प्रोजेक्ट टैंगो बेसिकली 3D स्कैनिंग में और 3D मैपिंग में काफी मदद करता है। दोस्तों फॉर एग्जांपल, मैं अभी जिस कमरे में हूं, मेरे पास में वो प्रोजेक्ट टैंगो का एक टैबलेट है या स्मार्टफोन है, और मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने रूम में उसको पूरे को घुमा रहा हूं। तो जैसे जैसे मैं घुमा रहा हूं, उस रूम की एक रियल साइज कंप्लीटली 3D मैपिंग हो रही है, और मैं अपने फोन में बाद में उस रूम को हर एक एंगल से, जो भी ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, चाहे टेबल हो, चेयर हो, टेलीविजन हो, मैं खड़ा हूं, ट्राइपॉड है, कैमरा है, सभी चीजों को अलग अलग एंगल से देख सकता हूं और ये जज कर सकता हूं कि कौन सी चीज कितनी बड़ी, कितनी छोटी, कहां पे किस हाइट की कैसे रखी है इस कमरे में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर गेम डेवलपर्स की बात करें तो उनके लिए काफी इंटरेस्टिंग होगा कि जो भी आपको गेम्स देखने को मिलते हैं, उसमें जो भी आप लेवल्स देखते हैं, जो भी आपको आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, तो वो प्रोजेक्ट टैंगो की मदद से अगर उसको स्कैन करेंगे किसी भी बिल्डिंग को फॉर एग्जांपल, तो उसको अपने गेम में इंक्लूड करना बहुत ही इजी बन जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट यूज है इसका। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल गूगल मैप्स की या स्ट्रीट व्यू की, तो प्रोजेक्ट टैंगो एक एक्सटेंशन होगा कि आने वाले दिनों में आपको शॉपिंग मॉल्स के अंदर के कंप्लीट लेआउट्स मिलेंगे। आपको किसी भी शॉपिंग सेंटर में जाना है, किसी भी शॉप में जाना है, रेस्टोरेंट में जाना है, तो वहां पे आप अंदर से भी काफी हद तक उसको देख पाएंगे एक रियल वर्ल्ड में कि हाँ ये एक्चुअल में दिखने में कैसा है। उसके अलावा दोस्तों ऑगमेंटेड रियलिटी के बहुत सारे फीचर्स ये हैं कि फॉर एग्जांपल आप अपने घर में एक नया फर्नीचर ऐड करना चाहते हैं, आपके पास में थोड़ी जगह है, तो आप बस अपने उस टैबलेट से या स्मार्टफोन से देखिए उस जगह को, वो अपने आप हाइट वगैरह जो भी है पर्टिकुलर उस एंगल के थ्रू जज कर लेगा, मेजर कर लेगा, और उसके बाद आपको दिखा देगा कि यहाँ पे अगर आप एक नई चेयर रखते हैं तो दिखने में कैसा लगने वाला है, क्या हाइट होगी, क्या कलर होगा, थोड़ा उसको मूव कर सकते हैं। तो वो सभी काम ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू आप प्रोजेक्ट टैंगो में कर पाएंगे। उसके अलावा बहुत सारे गेम्स हैं जो आप खेल सकते हैं, जैसे कि आपने टैबलेट को हाथ में पकड़ा है तो आपके जो सामने स्क्रीन दिखाई दे रहा है वो आपके रूम का है या आपके लिविंग रूम, आपके हॉल का है, और उसके बाद में आपको उसी में ही अलग अलग कैरेक्टर्स आ जाएंगे जिनके साथ में आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, और बेसिकली आपको ऐसा लगेगा कि वो सब चीजें आपके सामने आपके रूम में वर्चुअली हो रही हैं। हालांकि होलोलेंस जो है माइक्रोसॉफ्ट का, वो काफी एडवांस्ड है इस फील्ड में, लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट टैंगो की अगर हम बात करें, अगर आपके स्मार्टफोन में वो चीज हो तो वो जो पोर्टेबिलिटी आपको मिलती है वो होलोलेंस आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता है कि आप डायरेक्टली बस स्कैन कर लीजिए, मैप कर लीजिए, तो वो एक काफी अच्छी चीज होगी दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि प्रोजेक्ट टैंगो के बारे में जब भी आता है, हालांकि कंप्लीट डिटेल्स के साथ में तो मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगा, लेकिन अभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन काफी पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक टेक्निकल गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना यहाँ पे इसी तरह की टेक वीडियोस लेके आता रहता हूँ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।